लंका दहन के बाद बजरंग बली ने यहाँ बुझाई थी पूंछ की आग। पर्वत से निकलती है चमत्कारी जलधारा। श्री राम के बाण मारने से निकली थी जलधारा। लंका जला माता सीता को छोड़ाया, यूं ही नहीं महाबली बजरंग हनुमान कहलाया। जय श्री राम। भगवान राम के भक्तों को लंका दहन का पूरा प्रसंग पता होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हनुमान जी जली हुई पूंछ लेकर कहां गए थे। आपको बता दें कि वो जगह मध्य प्रदेश के चित्रकूट शहर में है। कहते हैं कि यहाँ पर एक हनुमान धारा बहती है। यहाँ पर एक एक चमत्कारिक पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूरत की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई थी, तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो रही थी। रामराज्य में भगवान श्री राम से हनुमान जी विनती की जिससे अपनी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र धारा बनाई जो हनुमान जी की पूंछ पर लगातार गिरकर पूंछ के दर्द को कम कर रही थी। ये जगह पर्वतमाला पर है। आपको बता दें कि ये जलधारा पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर दो जल के कुंड है जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस जलधारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान जलधारा कहते हैं। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि लंका दहन के बाद हनुमान जी से श्री राम ने क्या कहा था। कथा के अनुसार श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी मुझे बहुत कष्ट दे रही है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इसे मुक्ति पा सकूं। इस कारण मैं कोई अन्य कार्य करने में बाधा महसूस कर रहा हूं। कृपया मेरा संकट दूर करें। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया, आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए, वहां आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ 1008 बार किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से एक जल की धारा प्रकट हो गई। जलधारा शरीर में पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ वो जलधारा निरंतर गिरती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है, उसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा कहते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।